वहीं मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और रुझानों में बीजेपी कांग्रेस से काफी आगे चल रही है। रुझानों को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। दोनों नेताओं ने रुझानों को देखते हुए कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। निमाड़ी जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने पृथ्वीपुर सीट पर बीजेपी के बढ़त बनाने पर कहा कि पृथ्वीपुर सीट हमारे लिए चुनौतीपूर्ण थी, योजनाओं की लाभ से बीजेपी जीत रही है। जोबट के परिणाम मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। अनुसूचित जनजाति में, ट्राइबल्स में, आदिवासी भाई और बहनों में काफी ये प्रचार प्रसार किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। हमने योजनाएं भी बनाई और उनको अपने जनजाति भाई बहनों के सामने भी रखा। मैं बहुत प्रसन्न हूं, मेरे मन में संतोष है कि हमने अपने जनजाति भाई बहनों के लिए जो योजनाएं बनाई है उनकी स्वीकारिता का प्रमाण हमको परिणामों में मिल रहा है। आज जनता ने इनको आईना दिखाया है कि 15 महीने में जो भ्रष्टाचार में आपने आकंठ सरकार आपकी डूबी थी, मध्य प्रदेश को द्रावस्था के दौर में लेके गए थे, माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनी, तो आज इन उपचुनावों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं जो घर घर में लोगों का, गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब के लिए साथ खड़े होने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को व्यापक जन समर्थन इस चुनाव में दिया। जोबट मेरा मानना यह है कि सहानुभूति की कोई लहर नहीं थी और आजकल जैसे हमारे और भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उपवाल जी के यहाँ, मनोहर उपवाल जी के यहाँ पिछली बार जो नहीं रहे थे चुनाव हुए, तो अब ये फार्मूले भी ज्यादा लोग, अब तो काम बोलता है, सरकार का जो काम होता है वो, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व और काम होता है वही महत्वपूर्ण होता है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। पृथ्वीपुर सीट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उपचुनाव में पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जरा वो आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल 16वें राउंड में बीजेपी को 1838 वोटों की बढ़त अभी बरकरार है। बीजेपी प्रत्याशी को टोटल 10,537 वोटों की बढ़त मिल चुकी है, तो यानी कि एक अच्छी खासी बढ़त है। 16वें राउंड में बीजेपी को वोटों 1838 वोटों की बढ़त मिल चुकी है और बीजेपी प्रत्याशी को कुल मिलाकर के 10,537 वोटों की बढ़त मिली है। तो पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 16वें राउंड में बीजेपी को 1838 वोटों की बढ़त मिली है और बीजेपी प्रत्याशी को कुल 10,537 वोट मिले हैं।